हेलो नमस्कार ब्रेंड हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक वीडियो भी दिखाने वाले हैं जिसमें पीडी खेरवा जी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। अतिथि शिक्षक भी अब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, इनका कहना है ठीक है अतिथि शिक्षक सभी विधानसभा सीटों से लड़ेंगे और जीतेंगे और अतिथि शिक्षक अपनी मांग को रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पीडी खेरवार जी ने संदेश दिया है शिवराज सरकार को खाड़ फेंकने का और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को सूचना जारी भी की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को सुनना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। क्या कहना है पीडी खेरवार जी का, ठीक है आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। सरकार ने जो कहा था वो अभी तक नहीं किया गया जिससे अतिथि शिक्षक खासी नाराज़ हैं और पीडी खेरवार जी नाराज़ चल रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला ले, नहीं तो अतिथि शिक्षक सरकार के हित में फैसला ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बने रहे, क्या कहना है पीडी खेरवार जी का वीडियो पूरा देखें। एंड समस्त अतिथि शिक्षक साथियों को जय हिंद, सादर जय गुरुदेव, सादर नमस्कार। विश्वास है सभी सक्षर जरूर होंगे, चिंताग्रस्त जरूर हैं, पर सबकी सकुशलता के लिए मैं कामना करता हूं और विश्वास भी करता हूं। साथियों, वर्तमान की परिस्थितियां हमारे साथ अनुकूल नहीं बन पा रही हैं, यह सही है। अब तक जिन जिन परिस्थितियों का सामना हम सब ने किया या हम सब करते आ रहे हैं, वह सारी परिस्थितियां अभी भी प्रतिकूल नजर आ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम से चूक हुई या फिर पता नहीं क्या क्या। साथियों, अगर हम बात करें संगठनों की तो हमारे संगठनों का भी प्रयास ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं से कमजोर रहा हो। जिनकी जितनी ताकत, जिनकी जितनी क्षमता, सबने उपयोग किया, प्रयास किया, जिसके प्रतिफल सबके सामने हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतिफल में हम सब लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। जिस तरह की हमारी मुख्य मांग सीधी सी बात रही है कि हमारा रोजगार सुनिश्चित हो, निश्चिंतता खत्म हो, हमारा रोजगार स्थायी हो, उस पर मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के बाद भी, एक तो घोषणा भी बहुत ज़्यादा तड़फाने के बाद हुई, बावजूद इसके कोई खास परिणाम हाथ नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ दिया सबको नहीं दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ दिया उससे हमारा तुरंत का दर्द खत्म नहीं हो पाया। यानी आज के आज भाई मरीज को अगर कोई दवा दो तो तुरंत से लाभान्वित होना मरीज, तब तो वह दवा पता चले उसका असर सालों बाद पड़ रहा हो तो उस दवा का कोई औचित्य नहीं। इसी तरह हमारे साथ मानदेय बढ़ाए जाने की घोषणा हो, 50% आरक्षण की घोषणा हो, 20 अंक तक बोनस की घोषणा हो, पात्रता परीक्षा लिए जाने की घोषणा हो, ये सब तत्काल लाभान्वित कराए जाने वाली घोषणाएं नहीं हो सकती। साथियों, प्रमोशन से बाहर होते जा रहे हमारे साथियों की चिंता सबको है, उनको खुद को तो है ही, सबको चिंता है। इसके साथ ही 2008 से लगातार अब तक पता नहीं कितने साथी बाहर नहीं हो चुके और कितने साथियों ने बाहर होना, अंदर होना, बाहर होना, अंदर होना, इस प्रक्रिया से कितनी बार नहीं गुजर चुके वो ही जाने। पर चूंकि संगठन का नेतृत्व करने वाले ही हैं, इस दृष्टि से हमको भी सबका दर्द पता है। सबने संगठन में अपनी ताकत लगाई है, ऊर्जा लगाई है, बावजूद इसके सबको फायदा नहीं मिल पा रहा है, निश्चित रूप से चिंता तो है। सीएम साहब ने जो घोषणाएं की हैं 2 सितंबर को, उन घोषणाओं का तो इतना बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है हमारे साथ कि प्रदेश भर में जिनको मौका मिल रहा है, जिनके हाथ में एक प्रकार से ताकत है, अधिकार हैं, शक्ति हैं, वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे वह
प्रशासन के लोग हों, शासन के लोग हों, राजनीति के लोग हों, किसी दबाव समूह के लोग हों, अपने अपने लोगों को अतिथि शिक्षक बनाने की फिराक में है। सैकड़ों शिकायतें होती जा रही हैं और सैकड़ों शिकायत प्रशासन के समक्ष लंबित हैं। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। हमारे लंबे समय से अनुभवी अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता किसी भी तरह दिखाने की जुगत लगाई जा रही है और अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों, अपने परिचितों, अपने शुभचिंतकों आदि को अतिथि शिक्षक बनाकर उसका लाभ दिए जाने की जबरदस्त कोशिश, कुत्सित प्रयास जिसको कहना चाहिए, चल रहे हैं। और इस पर आप लोग अपने अपने स्तर पर सुलझाइएगा, अगर बात नहीं सुलझती है तो संगठन तक पहुँचाइएगा, जैसा कि हम प्रयासरत भी हैं। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति से भाई रविकांत गुप्ता जी लगातार इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं। भी एक बहुत बड़ा बंच भोपाल DPI कार्यालय में प्रस्तुत भी किया गया है, जिसको लेकर के कुछ विचार भी DPI के माध्यम से हुए हैं, चाहे वो EBS EWS से सम्मिलित लोगों के लिए हो या फिर भाई भतीजावाद से बाहर होते जा रहे लोगों के संबंध में हो। प्रशासन के साथ लगातार हम बने हुए हैं और धीरे 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 उनका निदान भी किसी न किसी रूप में होता जा रहा है, पर स्थायी निदान अब तक नहीं हो पाया है, ये दुख का विषय है। अन्य घोषणाओं के आदेश क्यों नहीं हो पा रहे हैं सिवाय मानदेय के, जबकि कोटवारों की पंचायत अभी हाल में हुई थी का सप्ताह पहले, उनके मानदेय बढ़ाए जाने की घोषणा जो हुई थी उसके एवज में आदेश तो हो गए, परंतु अन्य घोषणाएं भी हुई थी उनके लिए, जैसा कि उनकी वर्दी का रंग बदला जाएगा, सेवानिवृत्ति के बाद उनको एक मुफ्त राशि मिलेगी आदि आदि और भी, तो उनसे संबंधित घोषणाएं तो हो चुकी हैं, परंतु हमारे आरक्षण, बोनस, पात्रता परीक्षा इत्यादि से संबंधित घोषणाएं अब तक नहीं हो पाई हैं। लगभग एक महीने से, आज 2 तारीख आने वाली है, 1 महीने पूरे होने वाले हैं, चिंता का विषय है। विश्वास तो है कि घोषणाओं के अनुसार आदेश होंगे, ये पूरी तरह तय है, पर देर होने के कारण हम सब चिंतित हैं, और देर नहीं होना चाहिए, आदेश हो जाना चाहिए, स्वाभाविक सी बात, 1 महीना बहुत होता है। हमारे बीच में तमाम तरह के कयासें लगाए जाने लगे हैं कि अब क्या किया जाए। इधर 15-17 साल तक आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, अभी नहीं होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने नहीं, अगले साल होगा, अगले साल नहीं, अगली पंचवर्षीय में होगा, ये सब धीरे धीरे बीतते गए और बस चुनिंदे, अब कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह का बड़ी मुश्किल से टाइम बचा, फिर आचार संहिता लग जाएगी। अब धीरे धीरे अब हफ्तों में आ गई वो गिनती, जिस गिनती को हम पंचवर्षीय, साल, महीने, हफ्ते में कर रहे थे, अब हफ्तों और हफ्तों के बाद दिन में और दिन के बाद घंटों में वो समय आने लगेगा, वो वक्त आने लगेगा, या कितने घंटे बचे हैं आचार संहिता के, और हमारे लिए कोई खास आदेश नहीं हो पाए। ये सब एक प्रकार से दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें या हमारी आपकी कमजोरी कहें, निश्चित रूप से हम तंग तो हैं, पर कोई बात नहीं, हम सब एक हैं, एकजुट हैं, एक ताकत है हमारी, हमने क्या नहीं किया हमारी ताकत का उपयोग करके सबको पता है, दुनिया को पता है, मध्य प्रदेश की सरकारों को पता है, मध्य प्रदेश की विपक्षी पार्टियों को पता है। साथियों, अभी कहा जा रहा है जो साथी बाहर होते जा रहे हैं, जो साथी बाहर हैं ऑलरेडी, उनके लिए वर्ग 3 में पद सृजित किए जाएंगे, लगभग 30,000 बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये बात सही है कि प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है, पर यह बिल्कुल भी पूरी तरह मानने लायक बात नहीं है, कैसे मान ली जाए। और जब वर्ग 1 का, वर्ग 2 का अतिथि शिक्षक बाहर हो रहा हो चुका हो, उसको वर्ग 3 में समायोजित करने की बात आ रही हो, वैसे भी पच नहीं रही ये बात, उनको तो उसी वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए, बावजूद इसके कोई बात नहीं, अगर सब मान भी जाते हैं तो वर्ग 3 में कैसे समायोजित होंगे, कहाँ से उठाया जाएगा, उसके लिए पात्रता क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, ये तमाम बातें हमारे सामने समस्या के रूप में है। तब भी मानते हैं इस बात को कि आचार संहिता लगने के पहले और काफ़ी पहले अब तक हो जाना चाहिए इसका भी आदेश, सरकार को इस आदेश को पूरा कर देना चाहिए, तब तो हम सरकार के साथ, सत्ताधारी पार्टी के साथ आने के लिए कुछ विचार करें, नहीं तो हम अपने मालिक हैं, हमको जैसा लगेगा वैसा करेंगे, फिर किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, 1 इंच का कहीं फायदा नहीं। ये सब सारी बातें हमारे बीच में चल रही हैं,
सरकार ने घोषणा तो की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अप्रशिक्षितों के लिए उनने एक शब्द में कह दिया कि आरटीई का मामला है उसको तो मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के अप्रशिक्षितों से जो आपने सेवाएं ली अब तक बड़े कठिन समय में, जिस समय आपके पास प्रशिक्षित लोग नहीं मिला करते थे पढ़ाने के लिए, और आज उन्हीं अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों की दम पर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आई, तब आप कहते हैं कि अप्रशिक्षितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके तो हम खिलाफ हैं, सरकार को अप्रशिक्षितों की बात करनी पड़ेगी और अप्रशिक्षितों के लिए अभी हाल में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वरना सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, सत्ताधारी पार्टी ही और विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं वो भी आज हमारे साथ बराबरी से खड़े होने में शर्म खाती हैं। उनकी बात हम किस मुँह से करें, उनको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए। अरे किसी ने फ़ोन लगा कर कह दिया कि वचन पत्र में शामिल की जाएगा, अरे पिछली बार भी तो किए थे, 3 महीने की बात की थी आपने वचन पत्र में कि 3 माह में आपकी समस्या समाधान पूरी तरह कर दी जाएगा। जब हम लंबे समय तक शाहजानी पार्क में बैठे रहे 5-6 महीने तक, तब आप कहने लगे कि 5 साल के लिए सरकार बनी है, 5 साल में हम बाप की बात करेंगे। तो आप भी तो दोगले हैं, तो अपनी दोगली नीति को, दोगले विचार को भी दुरुस्त करिएगा। हम यह नहीं कहते कि हम आपके साथ नहीं हैं, कभी तो आप हमारे साथ 2-4-6 दिन हमारे साथ सड़कों पर आकर के हमारे हक की बात करते, आपने भी नहीं किया अब तक। मिले आपने चिट्ठी लिख दिया, आपसे मिले आपने कह दिया, इतना काम थोड़ी चलता है, समर्थन ऐसे नहीं होता। तो आपको भी विपक्ष को भी थोड़ा सा समय है, आज भी आप हमारे साथ नेतृत्वकर्ता के रूप में, हमारे साथ सहयोगी के रूप में, समर्थनकर्ता के रूप में सड़कों पर उतरिए और हमारी मुख्य मांगों को सरकार से मनवाइए, तब आपके साथ हम पूरी तरह आएंगे। ये मेरा विचार नहीं, मेरे साथियों का विचार भी ऐसा होना चाहिए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमने लंबे समय से किए हैं। अभी पिछले 2-3 महीनों में तो उनकी कौन कौन सी रैलियां निकलती थी, कहीं विकास यात्रा तो कहीं आशीर्वाद यात्रा, क्या क्या यात्रा पता नहीं, क्योंकि यात्राओं के नाम से जाने जाएंगे हमारे देश के मुख्यमंत्री जी इतिहास में। लंबे समय से हमारे साथी पता नहीं कहाँ कहाँ से चंदा एकत्र करके टेंट फूलमाला ये वो व्यवस्था कर उनका स्वागत करते, एक ही उद्देश्य कि हमारा पद स्थापित करने माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे, घोषणा करेंगे। पर महापंचायत के बाद भी देखा जा रहा है, जैसे कि आज अशोकनगर चंदेरी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सहित माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लोगों ने किया, हमारे साथ उनके एक ही आश्रय के साथ की गई घोषणाओं के संबंध में जल्दी ही आदेश जारी हो, और आदेश में यह भी शामिल हो कि हमारे अतिथि शिक्षक साथी बाहर होते जा रहे हैं या बाहर हो चुके हैं वो सब मर्ज किए जाएं, नौकरी में स्थायित्व मिले। हमने वीडियो आदि में देखे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, राघोगढ़ के साथी या गुना जिले के साथी भी, राघोगढ़ विधायक माननीय राजा साहब, बाबा साहब, उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखी है। बाबा साहब ने फोन उठाकर, पता नहीं उनके कोई जिम्मेदार अधिकारी होंगे संगठन से, उनसे बात करी वचन पत्र में रखने के लिए, हम सबको सुनाया भी गया। उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि पिछली बार भी आपने रखा था वचन पत्र में, बावजूद इसके 5 महीने दिन रात हमको आंदोलन करने पड़े तब भी जू नहीं रहेंगी, अब भी हम कैसे भरोसा कर लें आप पर, थोड़ा सा भरोसा दिलवाइए। आचार संहिता लगने के पहले आपसे निवेदन है, अपनी पार्टी को सड़कों पर उतारिए, हमारे लिए भरोसा कर सकते हैं, पर इतनी आसानी से भरोसा अभी हम कैसे कर पाए आप विचार करिए। साथियों, ये सारी बातें हैं और हमारे संगठनों के हाल सबके सामने हैं। कुछ संगठन के साथी तो यहां तक कहते नहीं चुकते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जो करते हैं वो कहते नहीं, दिखाते नहीं। अरे जब दिखाओगे तब तो प्रेरणा मिलेगी, आप लोगों को दिखाने से मना किसने किया है, जो दिखता है वो बिकता है। आप लोग जो भी गतिविधियां करते हैं संगठन के संदर्भ में, अतिथि शिक्षकों के हित में, उसको उजागर करिए, दिखाइए, फिर किसी और संगठन के किए कराए पर सीधे में आकर कहते हैं कि मैंने किया, श्री मुझे चाहिए। तो उन संगठनों से मेरी प्रार्थना है, कृपया आप शांत ना बैठें। मैं तो बार बार कहता हूँ, जिस समिति
से मैं बिलोंग करता हूँ, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति, जब से शुरू हुई है तब से आज तक रुकी नहीं है और हम लगभग 100% बातों को सार्वजनिक करते हैं, आप सबके सामने रखते हैं कि हमने ये किया। भाई बताएंगे तब तो सब जानेंगे, सबका हौसला बुलंद होगा, सबको प्रेरणा मिलेगी, सबको संतुष्टि मिलेगी और लोग करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। जब हम बताएंगे ही नहीं, मौन रहकर किसी काम को करेंगे, कैसे जाना जाएगा? फिर ऐसे लोगों के लिए तो हम भी विश्वास नहीं करते कि आप कुछ कर रहे होंगे। आप कुछ भी नहीं करते, इसका मतलब यह है सीधा किया कराया में सामने आकर खड़े हो जाते हैं, यही कहेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपके लिए भी कहूँगा कि कृपया आप सब सामने आकर काम करें। अभी 2-6 दिन का वक्त है, जल्दी से आज क्लियर हो जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं जो किए हैं उन्हें एक लाइन में कही थी कि और जो कुछ भी अच्छा हो सकता है, संभव हो सकता है, वो करेंगे। तो उसमें ये होना जरूर चाहिए कि चाहे वह अतिथि शिक्षक के रूप में परीक्षा पास हो, व्यापम पास हो, फेल हो, अप्रशिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, ज़्यादा अनुभव वाला हो, कम अनुभव वाला हो, सबके हित में आदेश होना चाहिए। अलग बात है कि कम अनुभव वाले या फिर अप्रशिक्षित या व्यापम फेल वालों को थोड़े समय बाद लाभ मिले, पर लाभ सबको मिलना चालू हो जाना चाहिए, व्यवस्था में सब बने रहना चाहिए। इस तरह के आदेश होना जरूर चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी लास्ट में कि जो भी अच्छा हो सकेगा, जो भी अच्छा संभव हो सकेगा हम करेंगे। तो यही तो है, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। साथियों, समन्वय समिति से भाई रविकांत गुप्ता जी लगातार बने हुए भोपाल में, मुझे तो लगता है सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी मार्फत अब तक कराया जा चुका है। आप सभी भी अपने जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से और अपने अपने स्तर से साथियों की समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। हम भी मंडला जिले में प्रयासरत हैं और जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 40-50 अतिथि शिक्षक साथियों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं तक का समाधान यहाँ से जिला स्तर से कराए जा चुके हैं और लगातार एक समस्याएं आती हैं और हम उनकी समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन के साथ बने रहते हैं। सबसे उम्मीद है कि आपसी सहयोग बनाए रखिएगा और अच्छा नहीं हुआ तो जैसा आप सब को उचित लगे जिला स्तर पर कहिए, विधानसभा स्तर पर कहिए, ब्लॉक स्तर पर कहिए, राज्य स्तर पर कहिए, हम सब एक मत होकर के एक बड़ा महा आंदोलन जिसको कहना चाहिए सरकार के सामने परोसेंगे। ये कहते हैं ना, जैसी दे वैसी पूजा। लगता है सरकार को अब कुछ और ही मंजूर है। साथियों हम सब तैयार हैं पर थोड़ा सा प्रयास हमारे साथियों का अभी और जारी है। संभवतः सुनील परिहार जी मेरे छोटे भाई के साथ मेरी बातचीत जैसा कि हुई थी, उन्होंने मुझसे आश्वस्त कराया है कि दादा मैं एक बार भोपाल और जा रहा हूँ, 2 या 3 तारीख को पहुँच जाऊँगा, फिर देखता हूँ एक बार और शासन प्रशासन और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करके कि ये आदेश में कितनी क्या देरी है, क्या हो रही है, कब नहीं हो रहे हैं, या आदेश में क्या शामिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो हम उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं और भाई सुनील जी से मैं सामूहिक रूप से सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा कि आप बस अधिकतम 4 तारीख तक और इंतज़ार करें, इसके आगे कोई इंतज़ार स्वीकार ना करें। आप भी सबसे सलाह परामर्श लेकर के और आह्वान करा दें, हम एक बार और आचार संहिता लगने के पहले अपनी ताकत दिखा दें कि अतिथि शिक्षक भी कोई मजबूत कड़ी का नाम है। एक बार अतिथि शिक्षकों की मेहरबानी शिवराज को अर्श से फर्श पर ला चुकी थी, अतिथि शिक्षकों की मेहरबानी से ही फर्श से अर्श पर शिवराज जी पहुँचे और फिर अतिथि शिक्षकों की मेहरबानी से ही शिवराज जी का संभवतः ज़्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। हमें इससे कोई फ़ायदा है नहीं कि कौन अर्श से फर्श और कौन फर्श से अर्श जा रहा है। अगर हमारे साथ गलत करेगा तो फर्श से भी पाताल प्रवेश करेगा, ये निश्चित है। अतिथि शिक्षक परिवार इतना बड़ा परिवार और इतना सुगठित परिवार और इतनी संगठित ताकत वाला परिवार है। मैं सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सब आपस में संगठित रहिए और इस बार बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कोई स्कूल जाकर भी आंदोलन का साथ दे रहा हो। साथियों स्कूल जाना जिस दिन से आगाज किया जाएगा पूरी तरह
स्कूल जाना बंद करके और हमको सबको संगठन के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। चंद्र दिन की बात है, मैं बता दूं, अगर कोई कहे ना कि वो जो अभी जानकारी ली जा रही है प्रशासन स्तर से पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी अलग से फीडिंग हो रही है, भूल जाइए, वो तो सिर्फ टाइम पास है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है वो, कि जिनकी जानकारी ली जा रही है सरकार उन्हीं को नियमित करे, ऐसा बिल्कुल भ्रम में ना रहें। आप सभी हमारी इस लड़ाई में आहुति देंगे, भरोसा है, तब ही हम बहुत अच्छे रिजल्ट की ओर जा पाएंगे और हम करेंगे ये सारी गतिविधियों को, इसमें ज़रा सी भी किसी की अचूक नहीं होनी चाहिए। साथियों, मैं लाइव फिर से इस वीडियो में इसलिए आया क्योंकि सैकड़ों साथियों के आग्रह रोज़ होते हैं कि खैरबा जी आइए वीडियो में, आइए कुछ कहिए, कुछ बताइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कहने बताने लायक नहीं हूँ कि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको परोसूँ। मैं फर्जी यूट्यूबर के नाम से मैं ख्याति प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं तो रियल बात करने की कोशिश करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अभी भी कमज़ोर नहीं हैं। आप लोग बिल्कुल भी निष्फिक्र रहिए, अतिथि शिक्षकों के बीच में दरार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसा ना समझें कि जो RTE के दायरे में आ रहे होंगे उन्हीं के साथ सरकार अच्छा करेगी। RTE के दायरे में आने वाले लोग भी और RTE के दायरे में नहीं आ पाने वाले लोग भी, आप लोग सब अपने आप को संतुलित रखिए, व्यवस्थित रखिए। हमने अतिथि शिक्षक का काम करके सरकार को ऐसा कुछ दिया है, चाहे वह अप्रशिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, पास हो, फेल हो, कोई, निश्चित रूप से हम सरकार से छीन भी लेंगे। मैं तो बार बार आग्रह करता हूँ मेरे साथियों से, अगर सरकार मांगने पर नहीं देती, छीनने के लिए सरकार पर कब्जा जमाना होगा। कभी कभी तो यहाँ तक कह डालता हूँ, कह देता हूँ कि अतिथि शिक्षकों को भी 223 सीटों में चुनाव की तैयारी करना चाहिए, अपने प्रत्याशी उतारना चाहिए, तब हमको, अलग बात है कि हम जब ऐसा कुछ कर गुजरेंगे तो जिसको फ़ायदा होना चाहिए उसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, और जिसको नुकसान होना चाहिए तो उस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, पर हम अपनी ताकत भी तो दिखाने में समर्थ हों कि हम इतने ताकतवर हैं, चाहे जिसकी सरकार बनेगी भविष्य में वो हमारी ताकत पहचानने के बाद हमारा काम करेगी। तो मैं यहाँ तक तैयार हूँ। साथियों, हमारे पास जनबल है, धनबल नहीं अलग बात है, जनबल है जिसका हम सदुपयोग लोकतंत्र में कर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की 230 सीटों में अतिथि शिक्षकों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, जैसा कि हमारे बड़े भाई शैलेंद्र सक्सेना जी कर लिखे थे पोस्ट में कि अतिथि शिक्षकों को जहां से शिवराज जी लड़े, जहां से मंत्री जी लड़े, शिक्षा मंत्री जी, वहां से 5000 अतिथि शिक्षकों को उम्मीदवार बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन को तंग कर देना है कि 5000 लोगों के लिए मशीन कैसी बनेगी, वोटिंग मशीन कैसी बनेगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए, सही है। तुम ऐसे कुछ गतिविधियां करके हम अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हमको विचार करना चाहिए, समय है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसका उपयोग करना चाहिए हम। साथियों, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, अब कहो तीसरा विकल्प और कोई आए तो उसको, इस तरह करते करते तो हम परास्त हो जाएंगे। मैं यह सार्वजनिक नहीं कहूँगा आपसे कि मैं आम आदमी पार्टी का काम करने लगा हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँगा आपसे, बिल्कुल नहीं करूँगा, इसके लिए आप फ्री। मैं तो कहता हूँ हमको चुनाव लड़ना चाहिए, 230 में से भरोसा है मुझे कि बहुत सी सीटें हम जीत कर लाएंगे, और वो जीत के आने वाले हमारे अतिथि शिक्षक साथी विधानसभा में टेबल ठोकने के लिए तैयार होंगे और हमारी बात को मजबूती से वहाँ रखेंगे और हमारे लिए अच्छे निर्णय कराएंगे। ये अब तक जो करते आ रहे हैं इससे तो मुझे उतना भरोसा नहीं होता, पर क्या करें, अगर सबकी समझ में यह बातें आने लग जाएं तो बात ही कुछ और। साथियों, ये तो मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, आप लोग सब समझदार हैं, विद्वान हैं, शिक्षक हैं, आप लोग निराश, मायूस, हताश बिल्कुल ना हो, विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखें। हम बाहर हो रहे साथियों से बार बार अपील है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, लड़ें। अंदर जो साथी हैं, जो काम पर हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि आप ये घमंड में ना रहें कि आप भी हमेशा बने रहेंगे, सरकार की किसी न किसी नीति के चक्कर में आप भी आएंगे, इसलिए हम सबको अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक रहकर इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना भी है, और सभी संगठनों से बार बार आग्रह है, कृपया आप लोग
बाहर आकर काम करिए, सामने आकर काम करिए, छिपकर काम मत करिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, बार बार कहता हूँ। बस साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की ही सोच रखूँगा, विचार रखूँगा। आप लोगों को जो मेरी बातों पर टिक्का टिप्पणी करना हो, सुझाव देना हो, बराबर कमेंट बॉक्स में लिखें, परहेज बिल्कुल ना करें, मेरे खिलाफ़ लिखें लगता है, और मेरी वीडियो को चाहें तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेहतर से बेहतर क्या संभव हो सकता है सुझाव दें। मैं आप सबसे मिला बातचीत के माध्यम से, मुझे अच्छा लगा, और बहुत जल्द हम अब सब एक, चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम एक होकर एहसास कराएंगे कि लोकतंत्र में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सादर जय गुरुदेव, सादर जय गुरुदेव।